जिस काम से गई थी वो अच्छे से हो गया? हाँ भाभी, बातचीत तो करके आई हूँ, अब देखिए आगे क्या होता है। वही कहाँ है? मामी जी अपने कमरे में आराम कर रही है। अब भाभी, आप मुझे एक ग्लास पानी ला के देंगी? मैं जब तक हाथ मुंह धोकर आती हूँ। हाँ केजरी। किसने भेजा होगा? किंजलबेन, ये आप क्या कर रही है? किंजलबेन, 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 ये आपने क्या किया? धवल भाई कितना प्यार से ये लेके आए थे आपके लिए। इसीलिए मैं इसे लेना नहीं चाहती, क्योंकि क्योंकि भाभी वैलेंटाइन्स डे उन लोगों के लिए खास दिन है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैं नहीं करती धवल जी से प्यार। मुझे इस तरह से क्यों देख रही? मैं जो कुछ कह रही हूं सच कह रही, क्योंकि मैं अपने आप से भी झूठ नहीं कह सकती। छोड़िए, आपसे इस बारे में क्या बात करना, क्योंकि आप क्या जाने इस दिन का महत्व। किंजलबेन, भाई वो सोलंकी जी का फोन आया था, माफी मांगते हुए कह रहे थे कि आज की मीटिंग मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? मतलब हम कब से इस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं? वो तो है भाई, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी बेटी वैलेंटाइंस डे कहीं बाहर अपने मॉम डैड के साथ मनाना चाहती है, और वो ना भी नहीं कह पाए। ठीक है, मैं ये कह रहा था भाई कि अब शाम को कुछ करने के लिए तो हमारे पास है ही नहीं। आप जाकर गोपी भाभी को ही ले आइए, माँ भी यही चाहती थी। अब भाई मैं भी आया। कोकिला चले? जी मोटा भाभी। राशि, हम लोग निकल रहे हैं, घर का अच्छी तरह से ख्याल रखना, समझी गई? जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशि, हम जाके अभी थोड़ी देर में वापस लौटेंगे। जी। मैं देखती हूँ। मीठी, लोई पीणी नी डोबी डफोड़, दरवाजा बंद कर देना। हेलो। राशि, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं गोपी को लेने जा रहा हूं। तो मॉम से कहना कि वो राजपाल नगर नाच है। अगर काकी जी मम्मी जी बाहर नहीं जाएंगे घर से तो चिक्कर जी के साथ समय कैसे बिता पाऊंगी? हेलो, राशि, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? जी। आ जाओ। भाई आपके सिग्नेचर चाहिए थे, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो तो ठीक ही कह रहा था, मुझे कुछ काम तो है नहीं, तो मैंने सोचा जाके गोपी को ले आता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर भाई।
ये लो जिगर, अगर कोई काम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? जी मैं चलता हूँ। जी हाँ राशि, तुमने फोन किया? जिगर जी, आप कुछ देर के लिए घर आ सकते हैं? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ मैं घर ही आ रहा था, वैसे भी ऑफिस में अब कोई काम नहीं है। तुमने इस तरह से फोन किया, सब ठीक तो है ना? अब नहीं नहीं, अब आप आ ही रहे तो ठीक है। ठीक है, मैं 20 मिनट में घर पहुंचता हूँ। ओके। जी आप, ठीक है गोपी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पर वो एम जी, ठीक है जवाई जी, तमे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपकी तबीयत कैसी? आप ठीक है? अरे तमे बेसो ने गोपी दिख रहा, जा जाके जवाई जी के लिए नाश्ते में डाइट खाकर लेकर। नहीं, नहीं रहने दीजिए, मैं तो बस गोपी को लेने आया था। मुझे तो लगा कि गोपी को लेने विवान जी आने वाली है। गोपी, तुम्हारा जो भी सामान है जाके ले आओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूं। जवाई जी, तुमने खबर तो छे ने कि मैंने नया स्लिमिंग सेंटर खोला है। आइए ना, मैं आपको नई मशीन दिखाती हूँ। आइए आइए। ये साइकिल है और ये क्या बोलते हैं, शू के भाई, ट्रेडमिल। वही वही वही। और इससे इसके ऊपर कूद के ना वजन कम करते हैं। अच्छी है ना सब मशीनें? गोपी चले? जी मामी जी, मैं चलती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना। और हाँ, खाखरा मैंने बना के रख दिया है। जीव तेरे दिख रहा, बड़ी परिश्रमी है मेरी गोपी दिख रही। इतना मना किया फिर भी कितने काम कर डाले मेरे। अब हमें चलना चाहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो गोपी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वह झाड़ा कौन साफ कर शे?